कौन सी प्रॉपर्टीज है, लाएं दिखाएं। लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। पाक नेम के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। कभी कोई झूठ बोला जा रहा है, कभी कोई। साबिक चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली ने पनामा केस की पहली सुनवाई 20 सितंबर 2016 को की। सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर को मफादे आमा के तहत पनामा केस को काबिले समात करार दिया। 15 नवंबर को पांचवी सुनवाई पर वजीर आजम नवाज शरीफ के बच्चों ने दिफा में कतरी खत पेश किया, जिस पर अदालत ने कानूनी सवाल उठा दिए। साबिक चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली की रिटायरमेंट के बायस केस की समात रोक दी गयी और ये भी कहा कि केस को सुना हुआ ही न समझा जाए। अब तस्करा हो जाए असर 26 समातों का। 4 जनवरी 2017 को जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 8/9 केस की पहली समाअत की। 7वीं समाअत में जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जिंदगी की खुली किताब के बायस सफात गायब हैं। 16 जनवरी को 9वीं समाअत में वज़ीर-ए-आज़म के वकील ने कहा कि नवाज शरीफ को आर्टिकल 66 के तहत पार्लिमानी तकरीर पर इस्तेकाक हासिल है। 20 जनवरी को होने वाली समाअत के दौरान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर-ए-आज़म लंदन फ्लैट्स की मलकियत तस्लीम कर लेते तो इतने दिन समाअत ही ना होती। सवालात दो हैं, फ्लैट कब खरीदे और इनका वज़ीर आज़म से क्या ताल्लुक है। 23 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़कों पर जो होना था हो चुका, अब फैसले का इंतजार करें। अदालत के बाहर जो कुछ कहा गया वो बहुत है, लोग अपनी कमेंट्री खुद तक महदूद रखें। जस्टिस खोसा ने कहा कि वज़ीर आज़म के वकील ने सबूतों का जिक्र नहीं किया लेकिन कानूनी नुकात का अंबार लगा दिया। 27 जनवरी को वज़ीर आज़म के वकील मखदूम अली खान ने अदालत से इस्तदआ की कि जायदाद और तहफ़ से मुतलिक तफसीलात जमा करवाने के लिए 3 रोज की मोहलत दी जाए, जिस पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि पहले कहा गया तमाम तफसीलात और दस्तावेजात मौजूद हैं और पेश कर दी जाएंगी, जबकि अब मजीद मोहलत मांगी जा रही है। 3 जनवरी को होने वाली समाअत पर अदालत ने सवाल उठाया कि क्या 2 मिलियन दरम ऊंटों पर लाद कर कतर मुंतकिल किए गए। इसहाक डार का एतराफी बयान वज़ीर आज़म के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। 31 जनवरी को अदालत उज़्मा ने कहा कि हुसैन नवाज ने पूरा सच नहीं बोला, वो 13 साल फ्लैट्स में रहे, उंगली तो आपकी तरफ उठेगी, जिस पर हुसैन नवाज के वकील शाहिद हामिद ने कहा कि अगर हुसैन नवाज कुछ छुपा रहे हैं तो सजा वज़ीर आज़म को नहीं मिलेगी, जिस पर अदालत ने कहा कि आप बहुत बड़ा जुआ खेल रहे हैं, खुदा का खौफ करें, क्यों मुर्दों को शहादत के लिए ला रहे हैं।